डियर स्टूडेंट्स, अब समय आ गया है कि हम परीक्षा की दृष्टि से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखें। आपके क्वेश्चंस ये इस प्रकार के आ सकते हैं कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें, उसमें रिक्त स्थान में आपको ब्रैकेट्स में प्रत्येक प्रश्न के ब्रैकेट्स में कुछ संभावित उत्तर दे सकते हैं, दिया जा सकता है, और उसमें से आपको एक सही उत्तर जो है उसका यूज़ करते हुए आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। नाउ लेट अस सी कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट प्रीपोजिशंस। एग्ज़ाम में कोई भी एक क्वेश्चन प्रीपोजिशन फिल इन करने के लिए दिया जा सकता है, उसको देखिए आप, और उसमें से जो सबसे सही होगा उसका यूज़ करते हुए आपको प्रयोग करना है। ये सभी 10 सेंटेंसेस को आप देखिए और उसके ब्रैकेट में, यानी यहाँ पर ऑन द राइट साइड ऑफ ईच क्वेश्चन जो नंबरिंग के सामने जो दिया हुआ है उसमें से एक सही होगा और उस सही से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। आप 2 मिनट में इसको देख लीजिए और इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, चलिए हम देखते हैं इसमें सही आंसर क्या हो सकता है। प्रत्येक सेंटेंस में आप देखिए, यदि कोई सेंटेंस हमारे सामने आए तो सेंटेंस में आपको जो विकल्प जो दिए गए हैं उसमें से एक एक विकल्प को लगाते हुए आपको ये देखना चाहिए कि वे सबसे ज़्यादा फिट यानी सही कौन हो सकता है। इस कारण से हम आपको देखें, पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर यू डूइंग हियर डैश दिस आवर। आपको 3 प्रीपोजिशंस दिए थे, उसमें से सबसे सही प्रीपोजिशन है एट, बिकॉज जो हम दिस आवर के साथ जो सबसे सही जो यूज़ किया जा सकता था वो है एट। हम पूछते हैं एट दिस आवर, इस समय आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यदि आपको ये पूछना है तो यहाँ पर एट का प्रयोग करना पड़ेगा, बाकी दोनों गलत होगा। दूसरे नंबर का सेंटेंस देखिए, वी प्रीफर विजडम डैश वेल्थ। यहाँ पर प्रीपोजिशन जो दिया हुआ है वो टू है, बिल्कुल सही जो टू है, बिकॉज ये वर्ड जो है प्रीफर, ये प्रीफर वर्ड अपने साथ पक्का ये समझ लीजिए कि टू को ही लेकर सेंटेंस को पूरा कर सकता है। इस कारण से आप इसको यहाँ रिक्त स्थान पर टू लिखिए, प्रीफर टू लिखा जाता है, प्रीफर दैन कभी भी लिखा नहीं जाएगा। नंबर 3 देखिए, आई डोंट एग्री विथ यू। यदि आप किसी से सहमत नहीं है तो आपको वहाँ पर विथ यू लिखना पड़ेगा, विथ प्रीपोजिशन सही होगा, बाकी सभी प्रीपोजिशंस आपको यूज़ में नहीं लाना है। नंबर 4 देखिए, जब किसी व्यक्ति की किसी बीमारी से मृत्यु हो जाए तो हमको वहाँ पर इंग्लिश में ही डाइड ऑफ मलेरिया लिखना पड़ेगा। यदि बीमारी के कारण मृत्यु हुई है तो वहाँ पर ऑफ का यूज़ होगा और किसी प्रीपोजिशन का यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। नंबर 5 देखिए, पीपल डैश 18 आर कॉल्ड एज अडल्ट्स। 18 साल के ऊपर के लोगों को अडल्ट यानी वयस्क कहते हैं, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन जो सही है वो अबव है। हमको कभी कभार ऐसा लगेगा कि यहाँ पर ओवर सही होगा, लेकिन ओवर और अबव में डिफरेंस है। अबव किसी ऊंचाई या किसी स्थिति को बताते हुए यूज़ करने के लिए किया जाता है, और ओवर किसी वस्तु के ऊपर से गुजर रही दूसरी वस्तु के लिए ओवर का यूज़ किया जाता है। जैसे ओवर ब्रिज है, नीचे रोड होगी या रेल की पटरी होगी, तो उसको टच ना करते हुए जो ब्रिज या पुल जो बना दिया गया है, इस प्रकार के सेंटेंसेस में ओवर आता है। लेकिन यहाँ पर 18 साल से ऊपर, यहाँ पर ऊपर शब्द ज़रूर है, लेकिन 18 साल के ऊपर जो व्यक्ति है यानी 19 साल 20 साल वाले जो व्यक्ति है उन लोगों को बताने के लिए हमें अबव का प्रयोग करना पड़ेगा। नाउ 6 नंबर देखिए, नॉट ऑल पीपल कैन रन 100 मीटर्स डैश 10 सेकेंड्स।
हमको कभी कभार ऐसा लगा कि यहाँ पर 2x10 सेकेंड्स का यूज़ सही होगा, लेकिन हमको यहाँ पर सबसे सही शब्द जो है वो इन है। कोई भी सभी लोग जो है उसमें से कोई भी 10 सेकेंड के अंदर अंदर 100 मीटर की दौड़ पूरी नहीं कर सकता, ये बताना है तो इनका यूज़ करना पड़ेगा। 7 नंबर पर देखिए, ही वेंट डैश द रिवर इन ए बोट। उन्होंने रिवर को एक बोट में सवार होते हुए पार किया, रिवर को पार किया है, ये बताने के लिए ये क्रॉस का प्रयोग करना पड़ेगा। और इसके अलावा यानी एक तरफ से दूसरी तरफ के लिए जब हम किसी रिवर को या रोड को क्रॉस करते हैं तो उसके लिए आपको एक क्रॉस शब्द का प्रयोग करना है। लीना वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ हर सक्सेस। यहाँ पर कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमने 2 नंबर में देखा था, प्रिफर के बाद टू का प्रयोग पक्का है इसका। इस प्रकार कॉन्फिडेंट के बाद ऑफ का यूज़ किया जाना चाहिए, बाकी सभी प्रीपोजिशंस को गलत माने। सोहन इज डैश 6 फीट टॉल। अब यहाँ पर किसी व्यक्ति की ऊंचाई की बात की जा रही है, इस कारण से यहाँ पर ओवर सही होगा, अबोव सही नहीं होगा। यानी यहाँ पर 5 नंबर में और 9 नंबर में 2 नंबर डिफरेंस है, इस कारण से आप सेंटेंस के हिसाब से इसमें प्रिपोजिशन का चयन करें। 10वां सेंटेंस देखिए, वी शुड रीच आवर होम डैश सनसेट। यदि ये सेंटेंस बिना प्रिपोजिशन के दिया जाता है तो हम यहाँ पर किसी भी प्रिपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे एट सनसेट लिख सकते हैं, बिफोर सनसेट लिख सकते हैं, विद इन लिख सकते हैं, लेकिन ये सब जब प्रीपोजिशन दिया जाता है तो सब नगण्य हो जाएगा और उसमें से जो आपके सामने है उसमें से किसी एक का यूज़ करना पड़ेगा। तो सनसेट, सनसेट होते होते यानी सनसेट तक ये बताना है तो हमको बाई का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार आप लोग ये सेंटेंसेस को आप प्रैक्टिस करिए। ये वो सेंटेंसेस है जो आपके परीक्षा में, आपकी परीक्षा में दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है, इसलिए इन सेंटेंसेस को सिलेक्टेड सेंटेंसेस मानते हुए आप लोग इसकी तैयारी करें। धन्यवाद।